कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। हम लोगों ने कहा 80 हराओ भाजपा हटाओ। देखिए मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बीटी। हम लोग लगातार आज भी सड़क से लेकर के सदन तक जनता के मुद्दों संघर्ष करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बहुत वरिष्ठ नेता थे और वो सब पक्षी पार्टियों का भी सम्मान करने का काम करते। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं। अभी धीमे धीमे माहौल बन रहा है और जोश बहुत है। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी जुल्म अत्याचार या अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी से लखनऊ के कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं रविदास जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनाव की? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के अनवरत लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। जब कहीं जहां कहीं किसी पर जुल्म अन्याय होता है तो हम लोग वहां पहुंच करके जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं। जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्षों में हम 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा कर दिया गया है। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, जनता के कष्ट दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, दो विधायक भाजपा के उनकी मृत्यु हुई, लखनऊ पश्चिम के और लखनऊ पूर्व के। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। जिस पार्टी के पास सांसद के पास अपनी पार्टी के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता किसी कष्ट में खड़ा होगा, इसका प्रश्न नहीं उठता। चुनाव में जोश कम नज़र आ रहा है थोड़ा? नहीं, अभी धीमे धीमे माहौल बन रहा है और जोश बहुत है। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है और जनता जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गई है कि सत्ता को बदलना है, क्योंकि वर्तमान सांसद जो लखनऊ के हैं उन्होंने न लखनऊ में कोई उद्योग खुलवाया, न कोई कारखाना खुलवाया, बल्कि एक कंपनी है HAL जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, जहां पर जहाज बनने का काम होता है, उस कंपनी को भी प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया। जो कंपनी 20,000 रुपये का प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है उस कंपनी के 28% शेयर रक्षा मंत्री ने बेचने का काम किया है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के साथ साथ भाजपा ने विपक्षियों पर भी 400 पार का जो नारा उसका दबाव बना दिया है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी जुल्म अत्याचार या अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कहा 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। सब सीटों पर भाजपा हार रही है और इंडिया मोर्चे की सरकार देश के अंदर बन रही है। अटल जी के बाद लखनऊ की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से कम नज़र आने लगी है, ऐसा क्यों? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बहुत वरिष्ठ नेता थे और वो सब विपक्षी पार्टियों का भी सम्मान करने का काम करते थे, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को डर से, दबाव से, भय से डरना चाहती है। आज भाजपा ED, CBI, इनकम टैक्स, जेल का डर दिखा करके उनको तोड़ने का काम कर रही है। आज विपक्ष को दो प्रांतों के मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद हैं, ये जो है, और कई जो नेता हैं उनके ऊपर CBI का, ED का, इनकम का डर दिखा दिया है। एक नेता जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो जो हैं
इतना डर गई हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से कि उनकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में बन रही है, जो प्रत्याशी वो खड़ा कर रही हैं उनके प्रत्याशियों का चयन जो है भाजपा करने का काम कर रही है, पैसे उनको मिल रहे हैं और चयन भाजपा करने का काम कर रही है। तो आज ये हालात हो गए हैं कि लगता है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है और हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोग को आज भी रविदास मल्होत्रा में वो छात्र नेता दिखाई देते हैं जो बात बात पर धरना देने बैठ जाते थे और जेल चले जाते थे। हम लोग लगातार आज भी सड़क से लेकर के सदन तक जनता के मुद्दों संघर्ष करते हैं। हम इनकी जेल से इनके किसी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, जब चाहें हमको जेल भेज दें लेकिन हम जुल्म नहीं होने देंगे और अगर जुल्म होगा तो हम संघर्ष करेंगे। 49 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया है और ये संघर्ष आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। रविदास जी, विपक्ष के पास मुद्दे तो हैं, क्या लगता है विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनसे जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही है? नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं, जनता कनेक्ट हो रही है। हम लोगों ने कहा है कि इंडिया की सरकार बनेगी तो सभी गरीबों की बिजली माफ़ होगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल खुलेगा, हम जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार में उसको भरने का काम करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपये प्रतिमाह देने का काम करेंगे और जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी या 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उनको जो है भत्ता मिलने का काम होगा। इन मुद्दों से जनता जुड़ रही है और जनता परिवर्तन और बदलाव करने जा रही है। गठबंधन में अगर मायावती साथ में होती तो कितना फ़ायदा होता? देखिए, मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है, वो ईडी से सीबीआई से इनकम टैक्स से उनको इतना डरा दिया गया है कि वो गठबंधन में आने की उनकी साहस नहीं था। अब एक तरफ साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी जो बी टीम की पार्टियां हैं ये सब लोग कायर डरपोक हैं या और भ्रष्ट हैं, इसीलिए ये डरते हैं। कविदास जी, ये बात करें, अगर बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद और प्रभु राम का जो चक्रव्यूह रचाया है उसे क्या रविदास जी तोड़ पाएंगे? देखिए, हम सब लोगों के आराध्य भगवान श्री राम हैं और मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर बन रहा है, पूरे देश में किसी एक आदमी ने भी मंदिर बनने का विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश में चंदा इकट्ठा करने का काम किया है, बस लड़ाई खाली इसी बात की है कि हम लोग प्रभु राम पर आस्था करते हैं और वो राम के नाम को बुनाने का काम करते हैं। 5वें फेज में लखनऊ में चुनाव है तो कैसी तैयारी हो गई है अभी तक, कितनी जनता से कनेक्ट कर पाए हैं आप? हम लोग लगातार जनता से मिल रहे हैं, भारी जन समर्थन मिल रहा है, भारी जन सहयोग मिल रहा है और जनता ये कह रही है कि इस बार हम बदलाव करेंगे, आपको वोट देंगे। इससे हमको उम्मीद है कि हम बहुत भारी अंतर से भाजपा को हराने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, कितनी क्या लगता है इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिलने वाली यूपी में? कि पूर्ण बहुत सरकार बनेगी, बाकी जनता के हाथ में है, हो सकता है जनता सीट दे 450 और 450 सीटों पर लोग जीत जाएं, तो ये जो है जनता के हाथ में है और जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। पीएम मोदी की बात करें तो एक बयान उनका बहुत चल रहा है जो मुसलमानों को लेकर उन्होंने दिया, उस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, बढ़ते हुए अपराध के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता सब जान गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना बड़ा घोटाला हुआ और जितना रिश्वत भाजपा ने ली है, जनता के सामने भाजपा बेनकाब हो गई है। और अगर कोरोना काल में प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड की ऐसे ही जांच हो जाए
तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। लखनऊ की जनता को रविदास जी का साथ मिलेगा या राजनाथ जी का? लखनऊ की जनता हम लोगों के साथ में होगी। हम लोग यहाँ 49 साल संघर्ष किए हैं। जनता को मालूम है कि जनता की एक आवाज़ पर हम उनके पास पहुँचे हैं और एक आवाज़ पर उनके पास पहुँचेंगे। सड़क से ले कर लोकसभा तक जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे और जो जनता है उसको उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जनता को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा दिलाने की हम लोग गारंटी करते हैं और हम लोग जो हैं वो चुनाव जीतने के बाद हर स्तर पर जनता के साथ रह करके उसके कष्ट में, उनके दुख में उनके साथ रहेंगे। जनता को विश्वास है, जनता ने परखा है। 10 साल में राजनाथ सिंह लखनऊ शहर में 7 दिन आए हैं और उसमें भी रात में कभी एक दिन भी रहे नहीं हैं। कोरोना काल में 1 घंटे के लिए नहीं आए हैं। जनता परेशान थी, लोगों की मौतें हो रही थी और पूरे लखनऊ शहर में पोस्टर लग गए थे कि लापता सांसद के। तो अब इस बार जनता बस इंतजार कर रही है 20 मई का और 20 मई को भारतीय जनता पार्टी को बड़ी अंतर से चुनाव लखनऊ में हम लोग हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सपा समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार जो 5वें फेज में यहाँ पर मतदान होगा उसमें पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होगा। विजयेंद्र सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।